Good morning, student. Today, we are going to start with our new chapter, that is our village, our city. With our village, mane hamara gaon, hamara shehar. Iske baare mein, ye lesson ke baare mein aap padhenge. Now, first two pictures, they have page number 39 and 38 and 39. If you see, they have shown you difference ऑफ विलेज एंड सिटी. आपको विलेज का फोटो दिखाया है. विलेज में देखो कैसे बस, एसटी बस, बैलगाड़ी, वीकली विलेजेस लग रहा है. और राइट साइड में आपको सिटी का दिया है. देखो हमारा गांव और शहर में कितना फ़र्क है. शहर में टॉल टॉल बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी हैं, सब लोग गाड़ी में घूम रहे हैं. और गाँव में सब बैलगाड़ी, एसटी बस का यूज़ होता है. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ विलेज एंड सिटी विच दे हैव शोन इन द पिक्चर. नाउ टर्न टू पेज नंबर 40. Now, can you tell which of the thing in this picture are produced on a farm? उन्होंने pictures दिया है, like as umbrella, cabbage, apple, cauliflower, shoes, pen and cycle. उन्होंने क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा चीज़ farm में produce होता है. Can anyone say? Yes, student. Cabbage, fruits and cauliflower. These are produced on farm. ये खेती में होता है. Cycle को खेती में नहीं बोया जाता है. This is in the factory, right? तो उन्होंने वो पूछा है. सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट एल्स कैन थिंग्स कैन बी ऑप्टेन. आपको क्या क्या मिल सकता है. लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी ऑप्टेन. बच्चों हमको खेती से तो बहुत कुछ मिलेगा ना, फार्म में तो बहुत मिलेगा. वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ थिंग. व्हिच आर्टिकल इन दिस पिक्चर आर प्रोड्यूस इन अ फैक्ट्री. अभी उन्होंने फोटो दिया और बोला कि फैक्ट्री में क्या क्या प्रोड्यूस होता है. फैक्ट्री में प्रोड्यूस होता है अम्ब्रेला, साइकिल, क्लोथ्स. दिस आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज. नाउ दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन कि और क्या क्या प्रोड्यूस होता है. बेटा फैक्ट्रीज में बहुत सारा होता है. अगर आप देखेंगे हर एक वाटर बॉटल्स बोलो, आपके बर्तन बोलो, ये सब कहाँ प्रोड्यूस होते हैं. फैक्ट्रीज में ही प्रोड्यूस होते हैं. फॉर वो पर्पज डू वी नीड दिस थिंग. हमें क्यों चाहिए ये सब चीज़. बेटा वी नीड फ्रूट्स, ग्रीन एंड वेजिटेबल्स फॉर लिविंग. हमको जीने के लिए चाहिए. फॉर सर्वाइविंग हमको जीने के लिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने के लिए चाहिए, पहनने के लिए चाहिए. कपड़े क्यों चाहिए, पहनने के लिए चाहिए. फॉर ट्रांसपोर्ट वी नीड साइकिल. टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम रेन वी नीड एन अम्ब्रेला, राइट है. विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आई यूज टू मूव दिस गुड्स टू अर्बन एंड रूरल एरियाज. उन्होंने भी पूछा कि कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे. बेटा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माने आप क्या यूज़ करोगे. जैसे साइकिल, आप क्या यूज़ करोगे. साइकिल यूज़ करोगे कि क्या यूज़ करोगे. वो उन्होंने पूछा है कि आप कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे. तो अरे इट डिपेंड्स ऑन कैसे. आप गांव में यहाँ से एसटी बस में जाता है सामान, ट्रक्स में जाता है, टेम्पोस में जाता है, अलग अलग ट्रांसपोर्ट्स है. तो इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन योर विलेज और सिटी. आपके वहाँ पे नज़दीक आपको क्या अवेलेबल है वो उस चीज़ का आप यूज़ करेंगे. ग्रेन, वेजिटेबल, मील एक्सेट्रा कम फ्रॉम विलेजेस. हमको ग्रेन कहाँ से, गांव से क्या आता है. देखो अनाज कहाँ उगता है. शहरों में अनाज उगता है क्या. नहीं, मोस्टली कहाँ उगता है. गांव में. शहरों, गांव में खेती बाड़ी होती है. बेटे शहरों में इतनी जगह ही नहीं है कि लोग खेती बाड़ी करें. तो गांव साइड में बड़ी बड़ी जगह पे उन लोग ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, तबेला से रहता है. तो ये सब कहाँ से आता है. मोस्टली गाँव से आता है. बाइसिकल, टॉयज, बुक्स एक्सेट्रा कम फ्रॉम द सिटी. ये सब कहाँ से आता है. सिटी में से. फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स. फार्मिंग इम्प्लीमेंट्स क्लॉथ, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल, सोप, ग्लास, लाइट, ट्यूबलाइट इज आर मेड इन फैक्ट्री. बेटा ये सर देखो फैक्ट्रीज में क्या क्या बनता है. समझ में आ रहा है. क्लॉथ कपड़ा कहाँ बनता है. दवाइयाँ कहाँ बनती है. ऑटोमोबाइल माने पार्ट्स, ऑटोमोबाइल गाड़ी के पार्ट्स, स्कूटर के पार्ट्स सब कहाँ बनते हैं. सब फैक्ट्रीज में बनते हैं. ट्यूबलाइट्स, ग्लास ये सब मिलते हैं फैक्ट्रीज में. फैक्ट्रीज आर मोस्टली सिचुएटेड नियर द सिटी. पीपल लिविंग बोथ इन विलेज एंड सिटीज यूज ऑल दिस थिंग. क्या होता है मोस्टली किसी फैक्ट्रीज कहाँ रहता है. वो बीचों बीच में रहता है ना, गाँव में ना शहर में, बीच में रहता है. ताकि शहर के लोग भी उस चीज़ को पा सकें और गाँव के लोग भी वो चीज़ को यूज़ कर सकें. दस रूरल एंड अर्बन पीपल आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर दिन. सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. बेटा हम लोग को, हम देखो हम हमारे मेरे पास फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री है. खाली कपड़े की फैक्ट्री होने से मेरा सब कुछ नहीं पूरा हो जाएगा. नहीं, मुझे अनाज तो लगेगा ना. तो अनाज कहाँ मिलेगा. फार्मर के पास. तो वी ऑल आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर थिंग्स. हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं. समझ में आ रहा है. तो मीन्स रूरल एंड अर्बन, गाँव के लोग शहर के ऊपर, शहर के लोग गाँव के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड है. एक दूसरे के सामान की चीज़ों के ऊपर लिए वो डिपेंड है, जिससे वो ज़रूरत की चीज़ें वो पा सकें.
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन आर नेसेसरी टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल. हमको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, ट्रांसपोर्ट क्या होएगा तो ही हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे का सामान यहाँ से वहाँ भेज के हम ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर सकते हैं. मीन्स ऑफ अर्लियर देयर वाज़ बिग डिफरेंस बिटवीन द सिटी एंड द विलेजेस. पहले के ज़माने में ट्रांसपोर्ट नहीं होने के कारण बहुत डिफरेंस था. हमको एक गाँव गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू नाउ जैसे बहुत सारा डिफरेंस पहले था, अभी क्या हो रहा है, द डिफरेंस इज रिड्यूसिंग डे एंड बाई द डेज आर डिफरेंसेज आर रिड्यूसिंग. हमारे यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव होने के कारण, लोगों का अच्छा कम्युनिकेशन होने के कारण, अभी हमारा जो डिफरेंस था मोड का गाँव और शहर में जो डिफरेंसेस थे वो अभी कम हो गए. अभी दोनों भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो गए हैं और डिफरेंसेस कम हो गए हैं. द फैसिलिटी अवेलेबल इन सिटीज आर बीइंग अवेलेबल इन विलेजेस एज वेल. मतलब फैसिलिटी वहाँ पे जो अवेलेबल है गाँव में सिटीज़ में वो यहाँ पे भी अवेलेबल है. अभी ऐसा नहीं होता कि गाँव में जो मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता, जो शहर में मिलता है गाँव में नहीं. आजकल सब चीज़ सब पाई जाती है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बिकॉज ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. आपको ट्रांसपोर्ट के कारण हर एक चीज़ का फायदा होने लगा है. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एस मैन नीड इंक्रीज इन्वेंटेड न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बेटा पहले देखो, पहले के ज़माने देखो, अगर आप 20 साल 25 साल पहले जाएंगे आपके पापा लोग बोलेंगे नाला सफारा में कुछ भी नहीं था. पहले लोग स्टेशन चल के जाते थे, वहाँ पे रिक्शा नहीं मिलती थी, बैलगाड़ी होती थी. आज देखो हमारे पास क्या क्या सुविधा है, वी हैव अ रिक्शा, वी एन एवरीथिंग. आपको सब अलिए गुड्स वे ट्रांसपोर्ट बाई एनिमल्स लाइक बुल्लॉक एलिफेंट्स कैमल हॉर्सेज एंड डोंकीज. पहले के ज़माने में अगर हमको गुड्स को कोई ट्रांसपोर्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो हम क्या करते थे, उसको एनिमल्स का यूज़ करते थे. वी वे यूजिंग एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग पर्पज. हम लोग बहुत सारे एनिमल्स के ऊपर, डोंकी के ऊपर, कैमल के ऊपर, सबके ऊपर सामान लोड कर देते थे और सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाते थे. बट जैसे जैसे हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ, व्हीकल्स इम्प्रूव हुए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी इम्प्रूव हुआ. व्हीकल्स सच एज बुलॉक कार्स एंड हॉर्सेस वेयर वी उसमें नहीं आ गए ना आपको मैंने वाला बैलगाड़ी में. पहले बैलगाड़ी में सब सामान यहाँ से वहाँ भेजा जाता था. अभी इम्प्रूव होने के कारण कितना सा हो गया. अभी ट्रांसपोर्ट हम लोग अभी ट्रक्स में, टेम्पोस में, अभी तो ट्रेन से भी एक गाँव से दूसरे गाँव में सामान भेजा जाता है. दैट शिप्स ऑटोमोबाइल्स एंड ट्रेन्स वेर इन्वेंटेड. समझ में आया मैंने क्या बोला. पहले भी पानी के दरिया से हम लोग लेके जाने लगे, ऑटोमोबाइल्स माने ट्रक्स, टेम्पोस, ये बड़े बड़े लोड्स भर के हम लोग सामान यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं. फॉलोड बाय एरोप्लेन दस ट्रांसपोर्ट बिकम फास्टर. अभी क्या हो गया, जो काम हम लोग स्लोली करते थे, अभी ट्रांसपोर्ट के कारण हमारा काम फटाफट होने लगा. हम लोग ने फटाफट वो काम करके इम्प्रूवमेंट किया है. हमारे ट्रांसपोर्टेशन के कारण हमारा सामान यहाँ से वहाँ जल्दी जाने लगा है. दिस इज व्हाट अवर डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड टाउन्स हैड कम टुगेदर. वो इम्प्रूव हो गए हैं और सब कुछ ठीक हो गया है. तो लेसन एक्सप्लेनेशन इज ओवर ऑफ पेज नंबर 40. फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू रीड द पेज नंबर 40. कैन यू टेल विच ऑफ द थिंग इन दिस पिक्चर आर प्रोड्यूस ऑन अ फार्म. सेकेंड, where else can this thing be obtained. Third, which articles in the picture are produced in a factory. Where else can you find this article. Fourth question, for what purpose do we need this thing. Six, which means of transport are used to move this goods to urban and rural areas. Grain, vegetables, milk, etc. come from the villages. Bicycle, toys, book, etc. come from the city. Farming implements, cloth, medicine, automobiles, soap, glass, light bulbs, etc. are made in factories, are mostly situated near the city. People living both in village and cities use all this thing. Thus, rural and urban people are dependent on each other for their needs. Means of transport and communication are necessary to fulfill the need of the people. Earlier there was a big difference between the city and the village. Now this difference is reducing. This facility available in cities are now becoming available in villages as well. Means of transport. As men need increase, he invented new means of transport. Earlier goods were transported by animals like bullocks, elephant, camel, horse and donkey. Next vehicles such as bullock carts and horse carts were used. Then ship, automobiles and trains were invented, followed by aeroplanes. Thus transport became easier.
my children, just go through the page of 40, read it properly, observe the picture, and then come to page number 41. They have nothing. They have shown you in number 1 and 2. They have shown you what we can travel. First is bullock cart. Bullock cart kahan pe travel hoga beta? Which means of transport it is? It is a road transport. Gaon mein bullock cart use hota tha. Fish ship, unhone boat liya hai. Boat kahan hota hai? Pani mein use hota hai. Trains, tracks pe use hoti hai. Bus, on a road. Aeroplane, in a sky. Truck, again on a road. These are the mode of means of transport. Now, transport facilities are available in most villages and cities. You can see, in many villages and cities, you can see the transport facility. So, you have to study that, found, and understand which villages, which cities are using a different modes of transport for transporting their goods. Okay? Now, this is about, now we are going to start the explanation of page number 43. Children, what in the pictures you are seeing? See, there is a picture shown in the page number 43. There is one grandpa, granny, sitting on a chair. Uncle, sir, talking on a phone. One lady talking to a postman. And then one girl sitting on a computer and one boy on a phone. Now, looking at the picture, you have to answer some questions which they have given below. Okay? What is grandfather reading? Can anyone say? Yes, grandfather is reading a newspaper. What is Thai using to find some information? Thai is the name of that girl. She is sitting on a computer. So what she is using? Yes, she is using the computer to find some information she required. Same way, what is grandmother watching? What is grandmother watching? Yeah, she is sitting on a chair, cleaning the vegetables and watching a TV. Dada is listening to snow. What he has put in his ear to do this? You know now what you use? You use a earphone to put listen the song so that no one other get disturbed. What is father using to speak to someone? Yes, father is using a mobile to speak to someone. Who is at the door? The postman is at the door. What is mother taking from him? Yes, the mother is taking a letter from him. We commonly use things like letters, computers, mobile phones, newspaper, TV, music player, etc. It is a common things. बच्चे सब common thing है ना हमारे घर पे है ना हम सबके घर पे पाया जाता टीवी फ्रिज कंप्यूटर मोबाइल ये सब चीज़ हमारे घर में कॉमन चीज़ें जो पाए जाती हैं ऑल दिस आर यूज एज अ मीन्स टू सेंड एंड रिसीव इन्फॉर्मेशन मैसेजेस इससे क्या होता है हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता भी है और हम इन्फॉर्मेशन देते भी है बराबर ना टीवी से हमें ये सब इन्फॉर्मेशन पूरे देश की खबर मिलती है इंटरनेट से मिलती है और हमें किसी से बात करना है किसी को कुछ मैसेज देना है तो हम लोग फ़ोन से यहाँ बैठे हैं बाहर देश में भी लोगों से बात कर सकते हैं All of these are used means. Means माने एक तरीका है. It is a means of communication to send information and receive information and messages. समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो all these are means. मैंने बोला ना different types of communication. कितने लोग मोबाइल से बात करते हैं कितने आप लोग अच्छा कैसे चैटिंग करते हो अपने फ्रेंड्स से आजकल तो व्हाट्सअप हो गया फ्रेंड चैट हो गया फिर इंटरनेट हो गया बहुत सारा आपका तो बहुत सारा है मुझसे ज़्यादा आपको मालूम होगा कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेज पे फ्रेंड लोग के साथ चैट कर सकते हैं डायलेक्ट्स मैन यूज लैंग्वेजेस टू टॉक टू ईच अदर एंड टू कम्युनिकेट हिज थॉट टू अदर पीपल बेटा आप लोग बात करते हैं तो आप लोग भाषा यूज़ करते हो ना नाउ वी आर टॉकिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश राइट मेरे को आपसे बात करने के लिए मैंने क्या लैंग्वेज यूज़ किया है इंग्लिश एंड हिंदी सेम वी यूज डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यू यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक What languages do you use, my dear children? Some use Marathi, some use Gujarati, some use South Indian languages. Languages as per your convenient, you use languages. For your convenient, you use languages, right? So, the same language is spoken in different way in different region. Different region have its own language. All people have different language.
देखो महाराष्ट्र में तो मराठी बात किया जाता है, पंजाब में रहेंगे तो पंजाबी में बात करेंगे, तो हर एक कन्नड़ में रहेंगे तो कन्नड़ भाषा होगी, मतलब हर एक भाषा। इफ़ यू गो टू पाकिस्तान दे टॉक इन उर्दू, तो हर एक की भाषा है, हर एक देश की भाषा है, तो उन लोग उसमें बात करते हैं। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड चेंजेस विद द रीजन। देखो हर एक वर्ड का हम लोग के आप में क्या बोलते हैं, कुछ मराठी में बोलो आप कोई एक वर्ड बोलते हो, दूसरी भाषा में वही वर्ड का मीनिंग अलग रहता है। अगर मैं वही प्रोनाउंसिएशन मेक करने चाहूँ तो मुझे नहीं आएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें अपनी भाषा आती है, दूसरे की नहीं आती है। वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस एंटर आवर लैंग्वेज। क्या होता है, हम लोग दूसरे की भाषा सुनते हैं और हम लोग भी बोलने की ट्राई करते हैं, वो हमारे भी बोलने को ट्राई करते हैं, सीखते हैं हम, मगर इट इज हम इतना सुंदर नहीं बोल सकते। वी आर इन्फ्लुएंस, हम लोग को इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनकी भाषा सुनना बोलना अच्छा लगता है, मगर हम इतनी अच्छी तरह से बात नहीं कर पाते हैं जितना उन लोग करते हैं। इन दिस वे डिफरेंट डायलैक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज फॉर्म इन डिफरेंट रीजन। मतलब समझ में आया, इस तरह से अलग अलग भाषा को अलग अलग रीजन में अलग अलग देश में बात किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऐरानी, मालवानी, वरहाडी आर सम डायलेक्ट ऑफ मराठी लैंग्वेजेस। मराठी में भी देखते हो ना, कोई मालवानी में बात करता है, बराबर है, कौन वरहाडी में बात करता है, कौन अहिरानी में बात करता है। मराठी की अलग अलग भाषा है, बोलते हैं मराठी मगर वो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन रहता है। या वैसे गांव वाले देखो, उनकी मराठी इधर में अलग रहती है, कोली मराठी वालों की मराठी अलग रहती है, डिफरेंट डिफरेंट मराठी है। मराठी इज़ अ स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। एज वी स्टे इन महाराष्ट्र, इट इज़ अवर स्टेट लैंग्वेज। हमें मराठी आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, जो हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमें मराठी आना ज़रूरी है। इट इज़ अवर स्टेट लैंग्वेज। समझ में आया बच्चों? तो दिस इज वी डिस्मिशन ऑफ दिस पेज इज ओवर, बट जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल जस्ट हैव अ स्मॉल रीडिंग। वॉट इज़ ग्रैंड फादर रीडिंग? वॉट इज़ ताई यूजिंग टू फाइंड सम इन्फॉर्मेशन? वॉट इज़ ग्रैंड मदर वॉचिंग? Dada is listening to song. What has he put in his ear to do this? What is father using to speak to someone? Who is at the door? What is mother taking from him? We commonly use things like letters, computers, mobile phones, newspaper, TV, music player, etc. All of these are used as a means to send and receive information and messages. All these are means of communication. Man uses languages to talk to each other and to communicate his thought to other people. The same language is spoken in different way in different region. The pronunciation of the word changes with this region. Word from other language enter our languages. It is influenced by other language. In this way, different dialects of same language form in different region. For example, Ahirani, मालवानी, वरहादी एंड सम डायलेक्ट्स ऑफ मराठी लैंग्वेज। मराठी इज द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र। नाउ यू विल गो टू द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज 44 एंड कंप्लीट अवर लेसन एक्सप्लेनेशन। ओके, सो दैट यू कैन आफ्टर द लेसन एक्सप्लेन द नोट्स विल बी डिस्प्ले, कंप्लीट योर बुक एंड स्टार्ट लर्निंग द आंसर। योर एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट सून। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 43। Children, what in the pictures you are seeing? See, there is a picture shown in the page number 43. Now we will start the explanation of page number 44. In the olden days, message of sending, means of sending messages were not very advanced. बेटा पहले के ज़माने में पहले मैसेज भेजने के लिए हम लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, तभी इतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं था। समझ में आया आपको? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतना एडवांस नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? तभी के पहले के समय, अगर आप 10-15 साल पहले जाएंगे तो तभी मोबाइल फ़ोन्स भी इतना अवेलेबल नहीं था। तभी लोगों को क्या करना पड़ता था, ISD, SD पब्लिक लोकल कॉल पे लोग खड़े होकर फ़ोन करते थे एक दूसरे को। आज का मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन देखो, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप है, इंटरनेट है, ईमेल है। आज किसी तरह से भी लोग, बच्चे लोग, आज आप लोग देश विदेश में भी बातें कर सकते हैं। मीन्स अभी का टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट होने के कारण। मगर जब आपके भी पेरेंट्स के पेरेंट्स जो रहते थे, वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्डन डेज, लॉन्ग ईयर्स बैक, तभी तो फोन्स भी नहीं था। तभी के ज़माने में क्या यूज़ करते थे हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए? हम लोग ट्रेन पीजेंस यूज़ करते थे, मतलब एक पक्षी के पास मैसेज बांध के भेजते थे, वो पक्षी दूसरी जगह वो लेके आता था, उसको ट्रेन किया जाता था ताकि वो एक मैसेज यहाँ से वहाँ पहुँचाएँ।
समझ में आया? तो इन दोनों से इन्फॉर्मेशन वे कम्युनिकेट बाई डिफरेंट मीन्स, अलग अलग तरीका था। हम लोग जानवरों के थ्रू भेजते थे या इंसानों को भेजना पड़ता था। एक राजा को दूसरे राजा के पास पैगाम भेजने के लिए क्या एक मैसेज लिख के इंसानों को भेजना पड़ता था। समटाइम ट्रेन पीजेंस वे यूज फॉर दिस पर्पज। हम लोग ट्रेन पीजेंस को भी भेजते थे। और मैसेज वॉज सेंड बाई राइटिंग इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और क्लॉथ और टाइंग द पीस टू द बर्ड्स लेग। क्या करते थे हम लोग, मैसेज जो था वो हम लोग लिख लेते थे और एक पक्षी के पैरों में बांध देते थे और फिर उसको उड़ा देते थे और वो बराबर जिस जगह पे उसको बोलते थे वो उस जगह पे जाके वो मैसेज वहाँ पहुँचा देता था। नाउ अभी तो ये सब चीज़ आपको देखने नहीं मिलेगा क्योंकि अभी ये मॉडर्न मेथड है। अभी तो मम्मी तो आप लोगों को किसी को बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप तुरंत 2 सेकंड में वो मैसेज भेज सकते हो, बराबर है? तो दिस इज़ अ मॉडर्न मेथड नाउ विच यू आर लिविंग इन अ मॉडर्न वर्ल्ड, राइट माय डियर चिल्ड्रेन? आपको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। तभी के ज़माने में ये सब एडवांटेजेस नहीं होते थे, लोगों को बहुत तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता था अपना मैसेज वैसेज पहुँचाने के लिए। व्हाट द सोल्यूशन, उन्होंने क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब आपको ढूंढना है। सर्विस लाइक मोबाइल फोन टेलीफोन एंड कंप्यूटर्स आर नॉट अवेलेबल इन द एरियाज वेयर रोहन एंड रूपाली लिव। जहाँ रोहन और रूपाली रहते हैं वहाँ पे ये सब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उन लोग दे नीड टू सेंड अ मैसेज टू द रिलेटिव्स इन अनदर टाउन। हाउ विल यू हेल्प देम टू सेंड अ मैसेज, तुम कैसे मदद करोगे वो आपको यहाँ पे बताना है। समझ आ रहा है? तो ये आंसर आप सोचिए। ऑलवेज रिमेंबर रिसेंटली देर हैज़ बीन अ ग्रेट डेवलपमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब अभी के ज़माने में बहुत डेवलपमेंट हुआ है, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा सा इम्प्रूवमेंट हो गया है। इंक्रीज यूज ऑफ दिस मीन्स हैज ऑल्सो लीड टू इंक्रीज पॉल्यूशन। बेटा अभी जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है वैसे वैसे नए नए एडवांस टेक्नोलॉजी आए हैं, तो क्या हो रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। पहले नॉइस पॉल्यूशन इतना नहीं था, अभी बहुत सारे कार्स व्हीकल्स बाहर रोड पर आने के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे नॉइस पॉल्यूशन भी होने लगे हैं। देयरफॉर एवरीवन शुड यूज देम केयरफुली। इसकी जो भी यूज़ करे उसको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। What we have learned in this chapter is the interrelationship between cities and village. हमें सिटीज और विलेज में क्या क्या रिलेशन है वो देखा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वी लर्न। द नीड फॉर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हमको कितनी ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन की, उसके बारे में हमने पढ़ा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड फेमस प्लेसेज इन डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका, हमारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ क्या क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और हमारे डिस्ट्रिक्ट और तालुका में हम कैसे रहते हैं वो, उसके बारे में हमने ये लेसन में पढ़ा। So my dear children, the lesson explanation is over. Now what you have to do after the lesson is over, the pictures will be given you of the notes. So start writing in your combined book and learning it. आपको लर्न करने को स्टार्ट करना है ताकि अपने एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कोशिश करूँगी कि इसका रिविजन दे पाऊँ। आई गिव यू द रिविजन ऑफ द लेसन। Understood my children, I will give you the revision of for the exam so that you can study more nicely for your unit test. Okay, so the speech reading I don't think you require because already the same thing I have explained you. Then also go through the page number 44 of full lesson. If any doubt then ask me. Okay, stay home, stay safe. Now